सा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये भावना सा खून है तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद नमस्कार आदाब खुशामदीद सत्यमेव जयते आप सभी का एक बार फिर इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदुस्तान में हमारा नेशनल पैशन क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी को पूरी तरह से घेर लेती है, जिसके बारे में हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं। आम तौर पर लोग कहते हैं कि क्रिकेट और सिनेमा, पर मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का जो नेशनल पैशन है वो है शादी। जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे माँ बाप हमारी शादी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लड़की होती है तो उसको बोला जाता है कि एक दिन तो दुल्हन बनेगी, तेरा दूल्हा जो है वो घोड़े पे बैठकर आएगा, तेरी डोली सजकर जाएगी। और फिर जैसे जैसे लड़की थोड़ी बड़ी होने लगती है हम उसे कहते हैं कि भैया घर का काम सीख लो, ससुराल में जाके तुम्हें ही संभालना है। लड़कों को भी बोला जाता है कि एक दिन तेरी शादी होगी तो दूल्हा बनेगा, तेरी चांद सी दुल्हन होगी, तू घोड़े पर बैठ के साफा पहनकर आएगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अम्मी मुझसे कहती थी, उस वक्त एक इश्तिहार आया करता था मर्फी बेबी का, और वो मर्फी बेबी बड़ी क्यूट सी बेबी थी, और अम्मी कहती थी कि ये मर्फी बेबी जो है तुम्हारी दुल्हन बनेगी, तुम्हारी शादी होगी इससे, मर्फी बेबी से। और तब से लेकर आज तक मैं मर्फी बेबी को ही ढूंढ रहा हूँ। मतलब हर तरीके से ये शब्द जो है शादी का, या जो ये ख्याल है शादी का, वो कहीं ना कहीं हमसे टकराते रहता है, हमसे जुड़ते रहता है। दोस्तों आज हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं जिनकी उम्र जो है अब शादी के आसपास आ गई है। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। मुझे बताइए कि आपके मन में क्या विचार हैं शादी को लेकर, कि शादी धूमधाम से होगी, मैं घोड़े पे नहीं ऊंट पे आऊंगा, ऐसे कुछ अच्छे आइडियाज होंगे आपके तो बोलिए। हाँ आप कुछ बोलना चाह रही हैं? फिल्मों ने हमारी आदतें थोड़ी बिगाड़ दी हैं, तो मेरी तो उम्मीद है कि मैं यशराज स्टाइल में शादी करूं। अरे वाह, आप कहें तो मैं यश जी से बात कर लूं, वो आपकी शादी की पूरी प्लानिंग कर लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं चाहता हूं कि मेरी बारात लाइक मैं दूल्हा बन के हेलीकॉप्टर में उधर जाऊँ। घोड़े पे नहीं आना चाहते? घोड़े पे नहीं, हेलीकॉप्टर पे। वेरी गुड। हाँ शादी बेसिकली राजस्थान के वो बिग पैलेसेस में होनी चाहिए। हाँ। और रिसेप्शन बीच हाउस पे कहीं विद ऑल गाउन्स एंड मतलब समुद्र के किनारे। हाँ। रिसेप्शन हो। व्हाट डू वांट टू वेयर ऑन दैट डे? शादी के दिन की रिसेप्शन। शादी के दिन। पहले शादी के दिन का ड्रेस बताइए फिर रिसेप्शन का बताइए। सम नाइस वेरी डिजाइनर साड़ी ऑन शादी के दिन। ऑन शादी के दिन। एंड रिसेप्शन के दिन वाइट गाउन। वाह क्या बात है। दोस्तों देखा आपने, बहुत सारे अरमान हैं हर दिल में शादी को लेकर, और हर माँ बाप की भी कोशिश रहती है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो वो बड़े धूमधाम से हो, बेटी खुश रहे। आइए देखते हैं एक ऐसी बेटी की कहानी जिसके माँ बाप ने उनकी खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए हर कोशिश की। कोमल दिल्ली के एक समृद्ध परिवार में नाजों से पली थी। पढ़ाई पूरी होते ही माँ बाप ने कोमल के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में कोमल की शादी तय हो गई। कोमल के पिता ने अपनी राजकुमारी की शादी बड़े ही ठाट से शाही अंदाज में की, और कोमल ने अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू किया। कोमल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। कोमल मुझे बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की रहने वाली हैं। आपकी शादी कैसे तय हुई? अरेंज मैरिज थी जी। मेरे मामा मेरे जो इन-लॉज थे उनको जानते थे, तो उनके थ्रू रिश्ता आया था जी। देखा लड़का, पेरेंट्स ने देख पसंद किया, तो वो लोग फिर हमारे घर आए, तो एक फॉर्मल मीटिंग हमारे घर पे हुई, बातचीत हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि और शादी तय हो गई।
जी। तो क्या क्या हुआ उस दौरान शादी तक? पहले सब कुछ स्मूथ था, घूमने गए साथ में, जाते थे, आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं, जनरल यू नो। जी। शादी का टाइम नजदीक आना लग गया, कार्ड्स छप गए एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए। पर जैसे जैसे टाइम पास आता गया, उनके डिमांड्स धीरे धीरे सामने आती चली गई कि ऐसी शादी होनी चाहिए, लैविशली होनी चाहिए, धूमधाम से होनी चाहिए, कौन सी कार आएगी, मेरे कपड़े कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, हमें घर में फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप कैश दे देना। जब पहले बात हुई थी तो ये हुई थी कि आप दो कपड़े में लड़की दे दो, हमारा लड़का इतना वेल ऑफ है, आईटी प्रोफेशनलिस्ट है, हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, हमारे घर में दो ही लड़के हैं, ये पहली बहू आएगी, मैं इसको अपनी बेटी बना के रखूंगी। तब ये सब था। शादी का टाइम पास आते ही जब सब में बात पहुंच गई कि शादी होने वाली है, तब उनके रिएक्शंस चेंज होने लग गए कि अब प्रेशर का टाइम है, अब आप कुछ भी करा लो। देन माई फादर सेड ओके, शादी की एक सबके अरमान होते हैं, लड़के के भी एक अरमान होते हैं, उनके पेरेंट्स के भी एक अरमान होते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर हिम्मत है, अगर है तो कर सकते हैं। उनकी जो डिमांड्स थी आप लोग मान रहे थे? जी। शादी जब बारात आने वाली थी वहाँ पे इन्होंने एक डिमांड और रख दी, हम बारात तब निकालेंगे जब आप मिलने पे फादर इन लॉ को गोल्ड की चेन डालोगे। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, जिसकी लड़की खड़ी है उस स्टेज पे वेट कर रही है दूल्हे का आने के लिए, उसकी बेटी विदा होने के लिए खड़ी, और उस पेरेंट को बोला जाए कि आप चेन डालोगे तो ही आएगी, देन उस प्रेशर में ऑन द स्पॉट जैसे भी करके मेरे पेरेंट्स ने अरेंज किया, ऑन द स्पॉट उनको चेन डाली, मिलनी करवाई, बारात को अंदर लेके आए, सब कुछ किया, शादी ख़त्म, हम लोग आगरा चले। फिर घर में एंट्री करी तो मदर इन लॉ ने सारे गिफ्ट्स एंड जो कपड़े वगैरह सब खोलना शुरू कर दिया, ये साड़ी दी है, नेकलेसेस जो मदर इन लॉ को दिए या मेरे जो नेकलेसेस थे, गोल्ड था, इतना हल्का नेकलेस दिया है तेरी माँ ने, फूक मारू उड़ जाएगा अभी, तेरी माँ ने तो कुछ भेजा ही नहीं, फर्नीचर नहीं दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से एटमॉस्फेयर में आ चुकी हूँ, अब इसी से डील करना है मुझे, इसी में रहना है, इसी में सब कुछ करना है। क्योंकि जब मैं अपने घर से शादी करके निकली थी, मेरी मम्मा ने वर्ड्स बोले थे कि बेटा लड़ के झगड़ के बुरा मान के कभी घर वापस मत आइयो। देन उसके बाद इनकी ऑफिस से कॉल आई कि डेप्यूटेशन पे आपको अमेरिका जाना है, तो मेरे पापा को बोला गया कि अमेरिका जाना है, अब आप इसकी टिकट खर्च कीजिए। तो मेरे फादर ने एक झटके में कह दिया कि चलो ठीक है बेटा, आप जैसे ठीक समझो। लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर से पैसे ले लिए थे टिकट के, लेकिन टिकट कंपनी वालों ने दी थी मुझे, विच वॉज अनदर शॉकिंग थिंग फॉर मी। फिर आपका अमेरिका में क्या अनुभव रहा उनके साथ रहकर? उनकी और भी कोई डिमांड्स आई आपके साथ? बहुत डिमांड्स थी उनकी। क्या डिमांड्स किया उन्होंने? फर्नीचर लगाओ यूएस में कार चाहिए उनको। वो उन्होंने शादी से पहले कार मांगी थी जी, उसके लिए भी 7 लाख कैश दिए गए थे। अब यहाँ पे दूसरी गाड़ी, यूएस में कार चाहिए, यूएस में फर्नीचर चाहिए, इंडिया में फर्नीचर के पैसे ले चुके हैं वो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, टेलीविजन चाहिए उनको माइक्रोवेव चाहिए। उनकी डिमांड इंक्रीज होती गई, और वो भी कैसे कि टॉर्चर का बटन दबाया, पैसे मिलेंगे। प्रेशराइज मुझे किया जाता था, तंग मुझे किया जाता था ताकि पैसे मिलें। और आपके पति, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा कमाते थे जी, $65,000 उनकी उस टाइम पे सैलरी थी, $65,000 जी पर ईयर। और मैं दर्शकों को बता दूं कि $65,000 कितने होते हैं, 35 लाख रुपए होते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? लगभग इतना ही होता है। उन्होंने कभी मुझे वाइफ का दर्जा नहीं दिया, हमेशा मुझे नौकरानी बना के रखा। मुझे यहाँ तक वर्ड्स बोले गए कि मैं तेरे को नौकरानी के लिए ही लाया हूँ, अपनी सेवा कराने के लिए लाया हूँ। मेरा राइट नहीं था उस घर में, कोई भी राइट था सिर्फ काम करने के लिए। जो भी खाने के लिए वो लेके आते थे, इतने अनियंस लिए इसको आप 2 हफ्ते चलाओ, इतने अनियंस, इतने राइस, इतने ये क्वान्टिटी वाइज, और उसको हमें एक, मेरे को एक लिमिटेशन दी जाती थी, इतना आपको ये करना है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। खाना मेरी प्लेट में चाहे कम हो लेकिन उनकी प्लेट में प्रॉपर था, पूरा था, जितना उनको चाहिए, अपने से मतलब था, अपना खा के पेट भर लेना, बाकी कोई दूसरा हो भाड़ में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं था। मेरा वेट ना खाने की वजह से 52 kg से 36 kg तक पहुंच गया था। दैट इज वेरी अनहेल्दी।
टॉर्चर इस तरीके से देते थे, कभी मेरी बाजू पकड़ के यूं हिलाया, यू नो आई वाज सर से लेके पांव तक मैं हिल गई थी और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किस इंसान के साथ हूं मैं। उस चार दीवारी में, उस घर में सिर्फ अकेली रहती थी, मेरी हमेशा नजर रहती थी उस सड़क पे, अब ये आ रहे होंगे, शायद आज इनका मूड अच्छा होगा तो आज झगड़ा नहीं होगा, आज ये कुछ नहीं बोलेंगे, आज इनकी कोई नई डिमांड नहीं होगी, सिर्फ उसी उम्मीद से मैं उस विंडो से बाहर देखती थी। उस उम्मीद में आप जी रही थी? उम्मीद में जीती थी मैं, बट कभी मेरी लाइफ में वो दिन आया नहीं जब तक मैं वहां रही। इट मस्ट हैव बीन वेरी ह्यूमिलिएटिंग आल्सो। वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग, और ऊपर से मैं उसकी वाइफ हूं। एक आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उसकी भी वो देखभाल नहीं कर रहे। वो देखभाल नहीं कर सकते थे, कुछ भी हो रहा है मुझे, उनको कोई लेना देना नहीं था, कोई नहीं, बुखार हो रहा है ठंड में, मतलब एक इंसानियत के नाते ही कोई पूछ ले, लेकिन नहीं। उसके बाद उनकी डिमांड आई, जो घर हमारा दिल्ली में है वो घर उनके नाम कर दो। ये डिमांड आई। आपने क्या वो किया? वो फ्लैट मांगा तो मैंने सीधा सीधा अपने हस्बैंड को बोल दिया कि बस अब और नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपने ना कर दिया? मैंने ना कर दिया। उनका क्या रिएक्शन है? उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया, मेरे बाल खींचने शुरू कर दिए, हर रोज आके तू क्यों नहीं देगी, तू क्यों नहीं देगी, तू क्यों नहीं कहेगी उनको, वो क्यों नहीं मानेंगे। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैंने सोच लिया था कि शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो इतनी जोर से उन्होंने मेरा गला दबा रखा था कि आखिरी में मेरी सांस आना बंद हो गई थी, मुझे सर में इतनी जोर से दर्द और दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। जब उनको लगा कि अब ये मर जाएगी और मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, तब उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उठा के सीधा ऐसे फेंका, मैं जोर से जाके जमीन पे गिर गई। दिन सारी रात सोच सोच में बिताई कि मैं अब क्या करूं, क्या अपने माँ बाप को जाके कह दूं कि आप सड़क पे रह लो, मुझे ही घर दे दो, क्या मेरे हस्बैंड को घर दे दो तो ही वो मुझे सुखी रखेगा। फिर आपने पेरेंट्स को फोन किया? तब मैं उनको ये सिचुएशन बताना नहीं चाहती थी कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। तब भी आपने नहीं बताया? हाँ जी, आपको बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स को? बताना चाहिए था, लेकिन मेरी मॉम तो वहीं पे ही दम तोड़ देंगी, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीजें। फिर अल्टीमेटली आप वापस हिंदुस्तान कैसे आई, क्या हुआ? एक दिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे धमकी दी, मैं अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तू सड़ यहाँ जिंदगी भर, मैं जा रहा हूँ। आई सेड आप कहाँ जा रहे हो, मैं तेरे साथ नहीं रहना, बस मैं जा रहा हूँ। रात के 2 बजे मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत छोड़ के जाओ, मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर वो छोड़ छाड़ के, धक्का दे के, अंदर से बंद करके, चाबी 2 थी, दोनों उनके पास थी, बंद करके चले गए। अगर मैं बाहर चली जाती उनको रोकने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो डोर बंद हो जाता, मैं अंदर वापस नहीं जा सकती थी। ये किस महीने की बात है? ये नवंबर दिसंबर की बात है। मतलब वहाँ पे बर्फ भी गिरती है? जी, स्नो में, स्नोइंग हो रही थी, स्नो थी उस टाइम पे। जी, घर छोड़ने की पूरी प्लानिंग थी उनकी, एक्सेप्ट फर्नीचर, बाकी सब कुछ उन्होंने पैक कर लिया था अपना। अच्छा। कुछ नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, ना मैं बाहर जा सकती थी, ना मैं किसी की हेल्प मांग सकती थी। फिल्टर, वाटर फिल्टर तोड़ के निकाल के ले गए थे ताकि पानी तक पीने को ना मिले। खाने के लिए एज यूजुअल हमारे घर में लिमिटेड चीज़ें होती थी, खाना कुछ भी नहीं था। आई वॉज अलोन इन द हाउस फॉर 4 डेज विदाउट फूड, विदाउट वाटर। 4 दिन? 4 दिन मैं बस फोन करती थी, फोन नहीं उठाते थे, काट देते थे, फोन बंद कर देते थे, वॉइस मेल छोड़ती थी, वॉइस मेल नहीं उठाते थे, वॉइस मेल का रिप्लाई नहीं करते थे। एक रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, शॉर्ट ब्रेथ होने लगी थी, वॉमिटिंग हो रहा था, हेडेक हो रहा था, एंड हाथ पैर फूलने शुरू हो गए थे। तो मेरे अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं बस खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है घर में, आप कुछ नहीं छोड़ के गए, आप प्लीज़ आओ और खाना तो एटलीस्ट दे जाओ आप। लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैं मतलब जीते जीते मर रही थी वहाँ पे। फिर मैंने वुमेन सेल को कॉल किया, US के वुमेन शेल्टर कॉल किया, तब उन्होंने कहा यू नीड एमरजेंसी हेल्प, हम लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, आप जाओ। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हॉस्पिटल जाना। तो दे सेड कि नहीं, आप जाओ, हमारे लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा खर्चा हम उठाएंगे। मतलब अजनबी देश में अजनबी लोग आपकी बात समझ रहे थे जी, और आपकी मदद कर रहे थे जी, और आपके पति आपको छोड़ के चले गए जी। देन मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा, उन्हीं के वहाँ से उनको कहा कि प्लीज़ आप आओ, यहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है,
आप आओगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पवन जी और कमलेश जी, आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी की ये अवस्था थी फाइनली अमेरिका में, आपको फोन आया, आपको क्या महसूस हुआ? हमारे को तो बहुत बुरा सा लगा उस टाइम, और ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि हम उसकी हर डिमांड पूरी करते रहे और हम इसी धोखे में रह गए। टोटल कितना कॉस्ट किया होगा आपको ये सब पूरा? अराउंड 40 लाख उस टाइम खर्च किया था। सोना कितना दिया आपने? आज की कॉस्ट में 60 लाख से ऊपर है। आज आपको लगता है कि जो पहली डिमांड आई उनकी जी कि भाई हमारे लिए ये करो वो करो, आप अगर उसी वक्त ना बोल देते उसको वो ज्यादा अच्छा रहता, अगर हम उसको उसे मना कर देते और बेटी को अपने पास ही रख लेते। आज रखने से पहले उस वक्त रखते। किसी माँ बाप को आगे से नसीहत दूंगा कि दामाद को ना पाले कभी भी, उसको बोलो अपनी कमाई में जो करना कर, हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी सीख है हर माँ बाप के लिए, हर लड़की के लिए आज जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ग्रीड जो है, लालच जो है, उसका कोई अंत नहीं होता। जब पहली डिमांड आती है कि भाई हमारे लिए ये कर लो, चाहे वो छोटी डिमांड भी हो, उस वक्त हमको लगता है यार ये तो छोटी बात है हम कर लेंगे कोई बात नहीं, नहीं, छोटी भी डिमांड आती है तो मतलब वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो आपकी बेटी की इज्जत नहीं कर रहा है, वो सौदा कर रहा है, वहीं पे कैंसिल कर दो और कहो नहीं शादी हमको करनी है, हमको ये सौदा नहीं करना। ये सबसे बड़ी सीख मिली है हमको। कोमल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, आपने जो आप बीती हमें आज सुनाई है उससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी सैकड़ों लड़कियों को और सैकड़ों लड़कियों के माँ बाप को आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह कोमल जी के साथ उनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बेटी की खुशी के लिए, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ है। और ये कोमल जी की कहानी अकेले की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा ही हुआ है। पीएचडी की पढ़ाई कर रही निशाना छोटी सी उम्र में ही मदुरई के अमेरिकन कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट संभाल रही थी। निशाना के गुणों से प्रभावित होकर मदुरई डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े परिवार ने अपने बेटे के लिए निशाना के माता पिता से उसका हाथ मांगा। निशाना के माता पिता इस रिश्ते से काफी खुश थे और बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। 70 तोला सोना और 1 लाख नगद हमने उनको दिया। निशाना के पिता का कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़के वालों ने उनसे गाड़ी की मांग की। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, मेरे रिटायरमेंट का पैसा आना बाकी था और सेटलमेंट के 4 लाख रुपए से उन्हें वो गाड़ी दिलाना चाहता था। लेकिन अचानक निशाना के ससुराल वाले उसके चेहरे में खामियां निकालने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा निशाना की नाक ठीक नहीं है, हमें उसका ऑपरेशन करवाना होगा। उन्होंने निशाना के माता पिता पे निशाना की प्लास्टिक सर्जरी करवाने का दबाव डाला। आखिर निशाना के माँ बाप ऑपरेशन करवाने के लिए मान गए, पर निशाना के मन पर इस खिलवाड़ का क्या असर हो रहा था ये किसी ने नहीं देखा। ऑपरेशन के बाद भी निशाना के पति की तानाकशी जारी रही। वो उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजता था, तुम भैंस जैसी दिखती हो, मैसेज अपने माँ बाप को भी दिखाना, तुम मोटी हो, तुम बदसूरत हो। और जब निशाना की बर्दाश्त की हद खत्म हुई उसने अपने आप को खत्म कर डाला। माँ बाप ने अपनी लाडली बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। निशाना की कहानी देखकर मेरा दिल भराता है। एक नौजवान लड़की जो लेक्चरर है, पीएचडी कर रही है, होनहार है, खूबसूरत है, पर अब हमारे बीच में नहीं है। माँ बाप अपनी पहुंच से बाहर जाकर अपनी बेटी की खुशी के लिए खर्चा कर रहे हैं, पर फिर भी लड़कियों को खुशी नसीब नहीं हो रही, क्या वजह है? आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में हर 1 घंटे में एक लड़की को दहेज की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है, और ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। कहां जा रहे हैं हम, कहां गलती कर रहे हैं? लौट के आते हैं और जानते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हमने दो लड़कियों की कहानी देखी,
जहां पर लड़कियों को लड़के वालों के लालच की सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन क्या बीतती है उन माँ बाप पर जो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई डाल देते हैं अपनी बेटियों की शादी में, बल्कि कई दफा तो वो कर्ज भी ले लेते हैं। उस एक दिन के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। शादियों में पैसे का प्रदर्शन और दहेज की प्रथा ने देश भर में कई घर बर्बाद किए हैं। मीनू की माने तो बुधवार की रात उसके पति और ससुर ने उसे छत की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। बदरपुर की रहने वाली प्रीति अब इस दुनिया में नहीं है। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए पति और ससुराल के लोगों ने प्रीति की हत्या कर दी है। कानपुर में एक बार फिर दहेज की बलि चढ़ गई एक विवाहिता। कानपुर के चकेरी में मुमताज के मायके में मातम पसरा है। केरल के निलंबूर जिले में लड़कियों के माँ बाप पर शादी में हैसियत से बढ़कर खर्च करने का काफी दबाव होता है। अस्सी प्रतिशत गरीब लोगों ने जो बैंक लोन लिया है वो लिया है सिर्फ अपनी बेटियों की शादी के लिए। कई बार बेटी का घर बसाने के लिए माँ बाप को अपना घर बेचना पड़ता है। कभी इस घर में एक खुशहाल परिवार बसता था, लेकिन बेटी की शादी पर किए खर्च और दहेज ने आज इस परिवार की ये दुर्दशा कर दी है। यही हाल महाराष्ट्र के विदर्भ का भी है। कपास की खेती से साल में 50,000 कमाने वाले किसान बेटी की शादी में 3-4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। शहरों का जो मिडिल क्लास के लोगों का शादी करने का ढंग जैसा बिगड़ा है, उसका असर किसानों पे भी आया है। जिस किसान के यहाँ लड़की की शादी है या होती है तो वो आदमी पूरे बैंक के कर्जों से, साहूकार के कर्जों से डूब जाता है। कर्ज न चुका पाने की वजह से कई परिवारों में आत्महत्याएं हो चुकी हैं। मेरी शादी की वजह से इनकी ऐसी परिस्थिति आ गई, पापा भी सुसाइड करना पड़ा कर्जा की वजह से, और मेरी वजह से बहुत दुख लगता है। अभी आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है? प्यार और भरोसे की बजाय रुपए पैसों की नींव पे खड़ी शादी में लालच इस कदर बढ़ जाता है कि बहुत बार शादी टूटने की नौबत आ जाती है, और रिश्ता खत्म होने के बाद दहेज में दिया गया सामान पुलिस स्टेशन के डंप यार्ड में पड़ा मिलता है। पूरे राजस्थान में 738 थाने हैं, हर थाने में इस तरह का सामान है। ये तो एक थाना है। मुझे तो ये सामान देख के लगता है कि लड़कियों की जिंदगी एक सोफा सेट, एक कूलर, फ्रिज और एक अलमारी, इन चार चीजों में अटक के रह गई है। कितने अफसोस की बात है कि शादी जैसे रिश्ते में जहां घर बसाने की बात होती है, वहां दहेज की वजह से कितने घर उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। पर इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि कई बार शादी में लड़के वालों का घर बसाने का, साथ में रहने का कोई इरादा ही नहीं होता। वो धोखे से शादी करते ही हैं सिर्फ इसलिए ताकि दहेज के पैसे ऐटे जा सके। पंजाब के छोटे से गांव करीमपुर में पली बड़ी परमजीत कौर। अपनी सुशील और संस्कारी बेटी पर माँ बाप को बहुत नाज था। परमजीत की शादी को लेकर उनके माँ बाप के कई अरमान थे। सन 2000 में परमजीत की शादी हुई। बेटी की शादी में माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया और बहुत ही धूमधाम से परमजीत की शादी की गई। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो परमजीत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। परमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि जब आपकी शादी हो रही थी तो उस वक्त आपके दिल में क्या अरमान थे, क्या सोचा था आपने? जो हर लड़की के दिल दे विच अरमान होंदे, वही अरमान मेरे दिल दे विच सी। बस यही था कि जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो अच्छा हो, हम दोनों के बीच में एक विश्वास हो। शादी से पहले आपकी उससे कितने दफा मुलाकात हुई? शादी से पहले एक बार भी नहीं मिली। जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी सिर्फ उसी बात उसी दिन आप मिली उसी दिन मिली थी उसे, उसके बाद नहीं। फिर क्या हुआ? एक हफ्ते के बाद मुझे फोन करने लगा कि मैंने फौरन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है स्टडी बेस पे। अपने घर वालों को कह के मुझे पैसा दे। 3.5 लाख रुपया कॉलेज की फीस थी। अच्छा। हमारी कंडीशन भी उस वक्त कुछ अच्छी नहीं थी जी। फिर भी इन्होंने ब्याज पर सब पैसा जो भी था ब्याज कर लिया। अच्छा।
और उन्हें दे दिया। उसके बाद कोल उसके पास खर्च के लिए टिकट के लिए 5 लाख रुपया हमारा पहले लगा। मतलब लोन लिया? लोन लिया। मुझे तो उसने ऐसा कहा था कि साथ में ही जाना है, मुझे भी साथ में लेके जाएगा जी, दोनों इकट्ठे जाएंगे, इसलिए हमारे घर वालों ने हाँ कर दी। शादी हो गई, शादी के एक हफ्ते बाद ही अनमैरिड जैसे ना ऐसे ही शो होकर चला गया। एक हफ्ते बाद वो बाहर चला गया, एक हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, फिर मुझे तो यही कहकर गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें मंगवा लूँगा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं मालूम था कि हमारे साथ धोखा करेगा। फिर उनके घर वाले मुझे तंग परेशान करने लगे, दहेज के लिए मांग करने लगे। जैसे कि कोई त्यौहार आता था तो मेरे मम्मी पापा उन्हें गहने कुछ भी कपड़े वगैरह देते थे। और शादी पे कितना खर्चा किया आपके पिताजी ने? उस वक्त भी 4-5 लाख रुपया तो आया होगा शादी पे। और 5 लाख पहले ही दे दिया था, 5 लाख पढ़ाई के लिए और टिकट वगैरह के लिए। हाँ जी, तो 10 लाख तो ये हो गए। 10 लाख ये हो गया। फिर बाद में दहेज की मांग करने लगे कि फर्नीचर चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए। इससे पहले भी एक बार उन्होंने हमारे घर वालों के मांग की थी कि आगे की फीस मुझे चाहिए, तो मेरे घर वालों ने वो भी 5 लाख रुपया फिर उनके घर दिया। 5 लाख और दिया उनको? 5 लाख 15 लाख दिया उनके घर, सारे घर वालों के सामने। उनके घर वाले कैसा सुलूक करते थे आपके साथ? उनकी बहन जो है मेरे साथ मारपीट करती थी, मुझे हाथ से खींच कर अंदर ले जाना, मारपीट करना। कभी फ़ोन आता था तो वो भी सुनने नहीं देती थी। जो भी काम करना, नहाना, वो भी उनकी मर्जी से, अपनी ननद की मर्जी से। खाना पीना जो भी उसकी मर्जी से। मायके आना तो भी उसकी मर्जी से। आपके माँ बाप को बहुत दुख हुआ होगा इन सब चीज़ों से? मेरे माँ बाप तो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपकी शादी हुई, आपके पति और आप एक साथ एक हफ्ता रहे, उसके बाद वो चले गए। हाँ जी। उसके बाद कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, कभी वापस आए नहीं। 3 साल हो गए कभी वापस नहीं आए। फिर उसके बाद घर वालों ने मारपीट करते हुए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, उसके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया। फिर उसके चाचा जो है रियल चाचा, उसने पंचायत में तलाक मांगा कि इंटरनेट पे तलाक दे दो। तलाक मांगा? हाँ, और कहा कि इंटरनेट पे तलाक, इंटरनेट पे तलाक दे दो कि हम इसे नहीं रखेंगे। तो अभी वो तलाक मांग रहा है? तलाक मांगता है मुझे कि मैं गोरी से शादी करनी है मैंने, कि चाचा तुम्हें कोरा कागज देगा उस पर साइन कर देना और मुझे गोरी के साथ शादी करके जहाँ सेट होना है। मतलब आपसे शादी की, आपसे इतना पैसा ले लिया, वो चला गया और अब कहता है मुझे तलाक चाहिए? हाँ जी। कुछ ही दिन हुए हैं, हम किसी ने हमें बताया था कि जलंधर में पासपोर्ट ऑफिस है जो, हाँ, वहाँ पर जाकर बताओ कि पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा जी। तो अब इनसे ही उम्मीद है हमें। वहाँ पे आपने कंप्लेन लिखाई है? हाँ जी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ परनीत सिंह जी मौजूद हैं जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं। परनीत सिंह जी, आप किस इलाके में पासपोर्ट ऑफिसर हैं? आमिर जी, मैं जलंधर पासपोर्ट ऑफिस में एज ए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर काम कर रहा हूं। तो परमजीत जी का केस आप जानते हैं उसके बारे में? जी जी जी। तो आप परमजीत जी के लिए क्या कर सकते हैं इस वक्त? हम शो कॉज नोटिस डालेंगे जी लड़के को जी, और हम उनको 15 डेज देंगे कि आप इसमें बताइए कि FIR रजिस्टर्ड है तो क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपका क्या कहना है? हाँ, कहना 15 दिन देने के बाद फिर हम उसका जो है इम्पाउंडिंग का ऑर्डर निकाल देते हैं पासपोर्ट का। जब पासपोर्ट इम्पाउंड होता है तो जो एयरपोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रक्शंस चली जाती हैं, तो वो बंदा वहाँ पे स्टक हो जाता है वहाँ पे एयरपोर्ट में, हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा पाता। कि कई बार बंदे कहते हैं कि हम तो बाहर सेटल्ड हैं, हमने नहीं आना। तो क्या है कि हम लोग एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट से जुड़े हुए हैं जी, तो जब हम जुड़े होते हैं तो क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शंस वहाँ चली जाती हैं तो जब वो बंदा एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए जाएगा तो वो वहाँ सीज कर लेंगे उसका, वहाँ सीज कर लेंगे जी। मैं दर्शकों को बता दूं, ऑडियंस को बता दूं कि ये परनीत सिंह जी ने ही इसकी शुरुआत की है। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप कोशिश करिए कि इनको इंसाफ मिले,
इनके जो पति हैं वो दोबारा एक दफ़ा हिंदुस्तान दोबारा आएँ और इस दफ़ा वो आपको तलाक नहीं दें, आप उनको तलाक दीजिए। मतलब वो कौन होते हैं आपको तलाक देने वाले? दोस्तों, इस वक्त हम जाएंगे चंडीगढ़ और 3G लिंक के जरिए बात करेंगे बलवंत सिंह रामूवालिया जी से। रामूवालिया जी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और इस मुद्दे को लेकर बहुत काम कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का रामूवालिया जी। नमस्कार जी। रामूवालिया जी, क्या NRI शादियों को लेकर कोई खास समस्या है पंजाब में? पंजाबियों में एक होड़ लगी हुई है कि हमने विदेश जाना ही जाना है। अब ये एक वीकनेस है जी, इस कमजोरी का एक्सप्लॉयटेशन लालची और जालिम जो पति और इन-लॉज हैं प्रवेश प्रदेश में रहते हैं पंजाबी, उन्होंने मेरे ख्याल में बेरहमी से किया है। 15 लाख भी लेते हैं कैश, फिर 300-400 आदमी बारात का आता है, फिर बहुत कीमती खाना मैरिज पैलेस में, फिर हनीमून के पैसे भी लड़की वाला ही देता है, फिर जब लड़की वो वापस चला जाता है वहाँ से वो करता है स्पॉन्सरशिप की फीस भी लड़की का बाप देता है। इतना कुछ लेने के बाद वहाँ से स्पॉन्सरशिप आ गई, वो खुशी से पति को फ़ोन करती है, बधाई हो तू और मैं कनाडा में इकट्ठे होंगे। वो आगे से बोलता है बकवास मत कर, तेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, 7 दिन में आना है। अब पहले वाला 15 लाख भूल जाओ, या तो और 15 लाख दो वरना मैं आपका मैरिज स्पॉन्सरशिप विदड्रा कर रहा हूँ। मुझे बताइए रामूवाला जी, ऐसे कितने केसेस हैं पंजाब में इस वक्त? पंजाब में 30,000 लड़कियाँ इस वक्त नर्क की तरह रोल रही हैं। ओहो, 30,000! जुल्म की कोई हद होती है? आप रसोई में चपाती उतारने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए एक महिला या किसी लड़के को नौकर रखते हो, मुंडू जो कहते हैं, उसको तो देते हैं 3,000 रुपये, खाना भी फ्री, छुट्टी भी फ्री 1 महीने की, और उससे डरते भी हैं कि अगर इसके चपत लगा दी तो काम छोड़कर दौड़ जाएगा। लेकिन जो बहू है वो बेचारी 15 लाख रुपया, और आजकल तो हर NRI कार लेता है, वो कार लेते हो, सोना लेते हो, अपनी इज्जत आपके पास दे देती है, आपके साथ जुड़ जाती है और खाना बनाती है, सेवा करती है, उसको तो आप जूते मार कर घर से निकालते हो, दुर्दशा करते हो और लूटते हो, लेकिन देते भी कुछ नहीं, उसको तो 500 रुपया भी नहीं देते। ये जुल्म भारतीय संस्कृति से जुल्म है। तो ये दशा हो रही है हमारी औरतों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामूवालिया जी हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज जिन महिलाओं की कहानियां हमने सुनी उनके केसेस इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है और हम कोर्ट के काम में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहते। हमें पूरा यकीन है कि अदालत में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों, आमतौर पे लड़की और उसके परिवार वालों को बेहिसाब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन हमारी खोज, हमारी रिसर्च में एक और चीज सामने आई है जिसके बारे में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है। आइए देखते हैं। बिहार की रहने वाली रूबी देवी और संतोष कुमार की शादी को 14 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, घर संसार अच्छा चल रहा है। रूबी देवी को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक समय था जब रूबी देवी के पिताजी अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। दामाद के रूप में उन्हें संतोष कुमार बेहद पसंद थे, पर दहेज की समस्या शादी के आड़े आ रही थी। लेकिन रूबी देवी के पिताजी ने हार नहीं मानी, आखिरकार एक ऐसी तरकीब निकाली कि बिना दहेज के शादी हो गई। संतोष कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो मुझे बताइए कि आपकी शादी किस साल में और किस तारीख पे हुई शादी आपकी? 1998 में, 17 फरवरी। तो क्या हुआ उस दिन 17 फरवरी को, मुझे बताइए। कॉलेज जा रहे थे जी, बस आगे बढ़े, बढ़ने के बाद ये गाड़ी आया, ब्रेक किया, मेरा पर्स ये डाला और खींच लिया गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर फिर छोटा छोटा पिस्टल वगैरह, हाँ, वो सटा दिए।
बोले लोग बोल रहे हैं कि हल्ला नहीं करना नहीं तो मार देंगे। अच्छा, मैं तो उसमें बहुत डर गया था। हाँ हाँ हाँ, कि आज मेरा जिंदगी यहीं खत्म है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दूर ले गया वो। हाँ, उतारा मुझे। उतारने के बाद वहाँ पर हमको ये नहीं जानकारी था कि हमको ये शादी करेगा ले जा करके। अच्छा, तो आपको ये पता नहीं था? पता नहीं। आपको क्या लगा? हमको लगा कोई किडनैप कर लिया है। फिर वो मेरा हाथ पकड़ के ऐड करके पीछे और ढकेला पीछे से। हाँ, धक्का दिया तो बढ़ने लगे तो फिर छुड़ा करके और उसके बाद हाथावाही शुरू। हाँ, वो पांच छह लोग थे तो हम अकेले करीब ऐसा 15-20 मिनट झगड़ा चला। फिर झगड़ा चलने के क्रम में गिर गए हम। हाँ हाँ, गिरने के बाद यहाँ चोट लग गया। तो ये जो निशान है आपका, ये उस वक्त आपको लगा था जो चोट लगी थी उसका निशान है जी। फिर गेहूं के खेते घिस जाग ले जा रहा था। थोड़ा दूर जब फिर खींचा तो लोग चर्च कर रहा था, गांव वाला किस लिए ले जा रहा है। तो बोला कि हिंट गया, शादी करने के लिए ले जा रहा है। तो फिर गांव वालों ने क्या बोला? गांव वाला लौट गया। अजीब बात है, मतलब जबरदस्ती मार पीट के शादी के लिए ले जा रहे हैं तो गांव वालों को वो अजीब नहीं लगा? उधर ऐसा होते रहता था। फिर क्या हुआ जब आप गाँव में ले गए? वो एक रूम था, उसमें जा करके बैठाया। कुछ लोग वहाँ से मेहमान स्टार्ट कर दिए बोलने के लिए, कुछ लोग जीजा जी वहीं से बोलना स्टार्ट कर दिए। तो हम सोचे कि अब शादी करेगा लगता है, अब नहीं छोड़ेगा। जितना देरी हम वहाँ बैठे हुए थे, हाँ, उतना देरी में पूरा सामान रेडी कर दिया उन लोग शादी का। उतना देरी में मेरे अगल बगल में इतनी लड़कियाँ भर गई कि हम तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। हम पूरा गीत गाने में लगे हुए, कोई कुछ सब औरत लोग आई हरदी लेकर के, वो सब जबरदस्ती आकर के कोई ऐसे से करे गुदगुदाए। और ये तस्वीर लेने वाला वहाँ वो बोलता था कि सिर्फ आप हंसाइए एक बार, नहीं हंसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये तस्वीर लेना चाह रहे हैं कि आप खुश हैं, आप हंस रहे हैं। तो फिर शादी आपकी उन्होंने करा दी साथ में बैठा करके जबरदस्ती। क्या वो होता है नहीं जिसमें सिंदूर होता है, पूरा मुट्ठी पकड़ करके ऐसे करके और घींच करके पूरा उसका मांग पर डाल दिया ऐसे करके। उसके बाद क्या हुआ? रात को जब लड़की को धक्का दे करके इन किया, धक्का दे के अंदर भेजा, मैं बेड पर था, वो सोची बैठने के लिए, तो मैं गुस्सा में था, उसको मैंने डांटा, बोला कि इस पर बैठना नहीं है, रात भर खड़ी रहना है। तो सुबह जब उठे देखते हैं वहीं पर वो खड़ी है। तो मेरा प्रेशर धीरे धीरे डाउन हो गया। हम भी क्या कहते हैं, कभी किसी के साथ टच नहीं किए थे, तो वही उसको हम एक किस किए। अच्छा। इतनी गोरी थी कि इस मतलब ये साइड में दाग पकड़ लिया। अच्छा। कभी किसी को पप्पी लेते तब तो मालूम चलता कि किस कैसे लिया जाता है। अब वो तो देखी नहीं ना दर्पण में। हाँ, वो तो सुबह निकली या पूरा अपना घर में काम काज करने लगी। हाँ, सब लोग देखा तो सोचने लगा कि चलो लड़का लड़की राजी हो गया, अब क्या दिक्कत है। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसी क्या बात थी कि वो आपको जबरदस्ती लेके गए? वो चाहते थे कि मेरा लड़की से संपर्क बढ़ जाए, लड़का खुश हो जाए, ताकि गार्जियन लोग को वो ये कह दे कि आपका लड़का खुश है तो आप क्या चीज़ के लिए दहेज मांग रहे हैं, क्या चीज़ के लिए पैसा मांग रहे हैं, मतलब ताकि उनको दहेज ना देना पड़े। दहेज की वजह से उन्होंने आपको अगवा कर लिया, आपको किडनैप कर लिया और ज़बरदस्ती शादी करा ली आपकी। जी, जी। इस किस्म के ब्याह का एक नाम है, मैंने सुना, उसको क्या कहते हैं? हाँ, चोरुआ विवाह या पकड़ुआ विवाह होता है इसको। इसको कहते हैं पकड़ुआ ब्याह। तो आपके गाँव वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सुना कि आपको आपके साथ ऐसा हो गया, पकड़ुआ ब्याह हो गया? मेरा गाँव वाला खुशी में था वो। है? मेरे गांव के लोग तो खुशी में था। क्यों? कि चला गया इसका पैसा दहेज का। अच्छा। उन लोग तो खुश था कि इसका घर में जितना लड़का है सब पैसा ही उठा उठा के ले जाए। तो अभी आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी से आप खुश हैं? उससे खुश हैं उसका व्यवहार से। मम्मी का बहुत सेवा करती हो। कभी कभी हम भी महसूस कर लेते हैं कि वो दूसरी ऐसा करती कि नहीं। हाँ, सही कहा आपने। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी पत्नी के साथ,
आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और हमेशा रहेंगी. थैंक यू सो मच. दोस्तों, हम खुश हैं कि संतोष जी की शादी कामयाब रही, लेकिन ये कोई हल नहीं है. हल तभी होगा जब शादी पर से सौदेबाजी की आंच हट जाएगी, और इसकी पहल कुछ लोगों ने की भी है. आइए देखते हैं एक मिसाल. ये नजारा है मुंबई के पास बसे भिवंडी शहर में सादगी से हो रही एक शादी का. हम लोग में शरबत पानी में किए हैं, दावत वगैरह नहीं किए हैं. बस ये सादगी में सब खुश हैं और सब शरीक भी हैं खुशी में, और सबकी दुआएं भी है बच्चों के साथ. कम खर्च में की जा रही इस शादी में खुशियों की कोई कमी नहीं है. बहुत खुश है, सब खुश है, सब दुआएं दे रहे हैं. मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में सादगी से शादी हो. वाह वाह. दोस्तों, इस किस्म की शादी मुमकिन हुई बहुत सारे लोगों की कोशिश से, और इस मुहिम का नाम है तंजीम खुद्दाम मिल्लत. और इस वक्त मौजूद हैं तंजीम खुद्दाम मिल्लत से मोहसिन उम्मेदी साहब, जो बुरहानपुर के रहने वाले हैं. उम्मेदी साहब, बताइए ये मुहिम शुरू कैसे हुई? जो आज हम देख रहे हैं, यकीन मानिए यही तकलीफ हमको 50-60 साल पहले भी थी जी, जिससे हम लोग लरस जाते थे, दहल जाते थे. कुछ लोग बैठे जी के समस्या का हल क्या है जी. उसका हल निकाला गया कि नो बैंड नो बाजा नो बारात और नो जहेज. नो बैंड नो बैंड नो बाजा नो बारात. ये सादगी से शादी हुई जी. और आपको बताऊं, उसके बाद जब लोगों को अच्छा लगा तो लोगों ने इस तरकीब को अपनाना शुरू कर दिए. अपनाते अपनाते पूरा शहर इस पर आ गया. आप यकीन मानिए पिछले 60 साल में मेरे बुरहानपुर में आज एक भी लड़की जहेज के लिए जलाई नहीं गई. वाह. और इसमें एक बहुत ख़ास बात यह है कि ये कम्युनिटी ने डिसाइड किया है. हाँ. अगर कम्युनिटी का हर आदमी ये कहे कि भाई हम ऐसी ही शादी करेंगे, तो फिर किसी पे पर भी, खास तौर पे जो गरीब लोग होते हैं, उन पे ये प्रेशर नहीं पड़ता कि मुझे अब खर्चा करना ही है. गरीब आदमी तो एहसास शर्मिंदगी जो है उससे मरा जाता है, और जब बड़े लोग ये कदम उठा लेंगे तो गरीब आदमी के लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे जी. हमारे बुरहानपुर में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि गरीब आदमी की शादी कौन सी थी और लखपति आदमी की कौन सी थी, यकीन मानिए आप नहीं बता पाएंगे. वाह. एक जैसी शादी होती है सबकी. दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भिवंडी से अख्तर काजमी साहब, जो इसी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं. अख्तर साहब, बताइए कि भिवंडी में आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बुरहानपुर पैटर्न इस्तेमाल किया कि जिस शादी में बेजा इसराफ होगा, फजूल खर्ची, वहाँ शादी में हम लोग नहीं जाएंगे. अच्छा. दूसरे बात, लड़की वाले जब शादी में बुलाएंगे, हम निकाह में शामिल होंगे, हम उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे. तीसरी बात हम लोगों ने तय की कि भाई निकाह मस्जिद में हो, 4 बजे दिन में हो, ताकि न वहाँ बैंड बाजा बजे, न फटाका फूटे, न खाने का कोई इंतजाम हो. लड़की वाले पे कोई बोझ नहीं आया जी. तो ये सब पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा है जी. जी, शहनाज जी, सूफिया जी, आप दोनों टीचर्स हैं और आप भी इसी तंजीम के साथ जुड़ी हुई हैं. बताइए कि दहेज की इस प्रथा के बारे में आपके क्या ख्याल है? जब हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं हमारी शादी के वक्त, वो हमारे जहेज के लिए परेशान होते हैं. हुँ. हम तो चले जाते हैं यहाँ से जी. लेकिन जी, उसका एहसास था उम्र हमको रहता है कि हमने अपने वालदैन को कितनी तकलीफ पहुँचाई है. जिस तरह वो लोग लड़कों की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, हमारी पैदाइश पर भी मनाएं. ये ना सोचे कि लड़की पैदा हुई, अब से इसके जहेज जोड़ना शुरू कर दो. ऐसा ना सोचे वो लोग. जी 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 जी. इस तंजीम से जुड़ने का हमारा मकसद ये है कि हमारी फीलिंग हम ही जानते हैं. तो हम चाहते हैं कि आपको ये बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंचानी है जी. जी. और जी. इसलिए पहुंचाने की है कि आप जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो माध्यम बन रहे हैं, जो वसीला बन रहे हैं, तो ये आपको हर हालत में बनना ही था. क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका खून जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ानदान का खून है. इसलिए जो कुर्बानी आपके ख़ानदान ने हिंदुस्तान के लिए दी हैं, वो कुर्बानी आपको देना ही चाहिए, और आप दे रहे हैं. मैं आपको सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आपका. वेलकम बैक. दोस्तों, अब हम मिलने जा रहे हैं फियरलेस नाडिया से, मेरा मतलब है रानी ऑफ झांसी से. सॉरी,
रानी त्रिपाठी से। मुंबई की रानी त्रिपाठी एक मध्यम वर्ग की लड़की है, माँ बाप की दुलारी, भाइयों की आंखों का तारा। पिताजी और भाइयों ने अपनी समझ से अच्छे घर में शादी तय कर दी। बेटी की शादी के लिए अपनी बहुत से बाहर की तैयारियां की, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों ने ऐसी फरमाइश कर दी कि पिताजी के होश उड़ गए। शुरू में कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए और 14 जनवरी को सुबह 7 बजे उन्होंने फोन किया कि हमारा लड़का आपसे गाड़ी मांग रहा है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, आखिरी मौके पर अब क्या करें समझ नहीं आ रहा था। समाज में मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल था, पूरा परिवार परेशान था। रानी को ना सिर्फ पिताजी की परेशानी का बुरा लगा बल्कि लड़के वालों की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया, और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो कोई हिम्मत वाली लड़की ही कर सकती थी। रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बताइए कि ऐसे मोड़ पे आपकी जिंदगी आ चुकी थी, उस वक्त वो क्या फैसला लिया आपने? फैसला था दहेज का तमाचा। दहेज का तमाचा उनको मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप डिमांड करे जा रहे हैं, मैं नहीं दे सकती और मैं क्यों दूं? बिल्कुल, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ जो आप कर सकते हैं। सिर्फ इसके कि आप एक मर्द हैं, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मैं तो वो भी कर सकती हूँ, आप तो वो भी नहीं कर सकते। मैं तो कर सकती हूँ। जहाँ पे भी हम रिश्ता लेके जा रहे थे, एक तो बात दहेज पर टूट रही थी, मुझ तक ये बात पहुँचती नहीं थी कि बात दहेज की वजह से टूट रही है जी। पापा और भाई तक ही रह जाती थी। मुझे जब भी एक रिश्ता टूटता था तो उनके चेहरे मुझे दिखते थे। अब इस बार फिर से वही बात आ गई कि दहेज। दहेज शुरू से वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड बन रहे थे कि हमको लड़कियाँ जीन्स में चाहिए, जब भी आप हमसे मिलें तो जीन्स में मिलें, मिनी स्कर्ट में मिलें, ये मैं तय करूँ मुझे क्या पहनना है, मेरा बदन है, मुझे कैसे रखना है मैं जानती हूँ। वाह क्या बात है। लेकिन अक्सर उनके पापा मेरे पापा को इस बात से टॉर्चर करते थे कि आपने कैसी बेटी दिखाई है हमें, कि जिसको मीन्स रूढ़िवादी समाज से हैं आप लोग, कैसे पिछड़े सोच हैं आपकी बेटी की और आपकी, ये कोई तमीज़ नहीं हुई मेरे पापा से बात करने की। किसी के भी माता पिता से आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी उनके फैमिली से जो बहनें थी जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, भाभी आप ऐसे कैसे कपड़े पहनते हो, चलिए आप हमारे साथ चलिए, ठीक है उनके साथ कहीं निकलो, तो उस सारा जो एक्सपेंस होता था ट्रैवलिंग का जो कुछ भी, वो मेरे सर मैं करूं। तो वो बड़ा मॉडर्न थॉट है। हाँ। तो भैया खर्चा आप करो। हाँ। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग। और जब ये सब हो जाने के बाद जब उनका बर्थडे आता है, भाभी हमारा बर्थडे आपको गिफ्ट नहीं दोगे, ये रिवाज नहीं है क्या आपके यहाँ? हाँ है तो सही, लेकिन मांग कर लेने वाला रिवाज का रिवाज नहीं है हमारे। तो आपने ये कब फैसला किया कि अब मुझे ये एक शादी नहीं करनी है और मैं नहीं करूंगी, और आपने क्या कदम उठाया? पापा और मम्मी बैठ के बातें कर रहे थे और मेरे कानों में तब पड़ गई बात कि वो फर्नीचर मांग रहे थे और कार मांग रहे थे और पूरा घर का रेनोवेशन मांग रहे थे। एकदम सडनली ये डिमांड आ गई, तो मैंने पापा को पूछा ये सब क्या है, ये सब कब डिमांड हुआ उनका, ये सब था तो आपने आगे बात क्यों बढ़ाई जब नहीं दे सकते तो? तो पापा ने बोला नहीं, उनका आज ही फोन आया और आज ही वो पूछ रहे हैं इतने दिन पहले, और वो कार्ड साथ में लेकर आ रहे हैं शादी का। कार्ड छप चुका है। छप चुका था सब। अब क्या करें, मेरे दिमाग में ही चल रहा था अगर मैं ना बोलूँगी तो बदनामी हो जाएगी, पापा क्या सोचेंगे। फिर उस वक्त दिमाग में ये भी आया कि अगर मैं चुप रही, चुपचाप ये सहन करती रही और शादी करके गई, तो भी दुख मुझे है और मेरे ही परिवार को है। मैं उस वक्त फैसला करना ही मुश्किल था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अंदर आई तभी tehlka.com का कुछ चल रहा था टेलीविज़न पे, तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि अपने भाई को कहूं कि ये जो दहेज की बातें लोग कर रहे हैं उनको हम लोग क्यों नहीं कैप्चर करते हैं कैमरा से। तो दीपक को बात एकदम शॉकिंग लगी, पागल हो गई है ये सब करेगी, दिमाग ठिकाने पे है, शादी हो रही है या बावली हो गई है। मैं बोला पागल नहीं हो गई हूँ, नॉर्मल हूँ मैं, और हम लोग ऐसे ही शादी करेंगे तो फेस मैं ही करूँगी, चाहिए क्या मैं वहाँ जाके जल के मर जाऊँगी, वो मुझे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, फिर और 10 चीज़ें मांगे, वो दे सकता है तू दे सकता है तो बोल। तो नहीं नहीं ऐसे क्यों करूँगा मैं,
मैं तुझे ऐसे थोड़ी ना मरने दूंगा। तब मानना पड़ा उसको मेरी बात। जब उसके समझ में आई, उसके पल्ले में समझिए बात, फिर माँ बाप ने भी सुनी। पहले तो माँ बाप गुस्सा हुए, पापा गुस्सा हुए, किस्टिंग ऑपरेशन करना, तो मान ही नहीं रहते। फिर भी उनको समझाने में भी थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैंने ये कहा कि शादी करके भी कौन सी खुशी मुझे दे देंगे आप। बहुत सही कहा आपने। फिर अल्टीमेटली आपने वो स्टिंग ऑपरेशन किया। हाँ, तो मतलब आप लोगों ने कैमरा छुपाया। हाँ, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक तो वो पेन कैमरा एक चूज करते हैं, तो उसको कहाँ सेट करें। हाँ। तो ऐसे शर्ट्स लाए जाए जो उसमें, जिसमें वो कैमरा नजर ना आए, तो होल किया गया शर्ट में, वो कैमरा एडजस्ट किया। तो वो सब किया आप लोगों ने? हाँ, घर में किया। अच्छा, करना पड़ा। तो वो स्टिंग ऑपरेशन का टेप आप लाई, हम लोग देख सकते हैं। जी, ये लड़के की माँ है, साफ साफ कह रही है कि उसके बेटे की शादी तभी होगी जब 5 लाख रुपए और एक कार मिलेगी। और लड़के के पिता कह रहे हैं कि गाड़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी। मतलब जोर जोर से चिल्ला के मांग रहे हैं यार, गाड़ी डिमांड कर रहे हैं। बताइए, भीख भी जोर जोर से मांगा जाते चिल्ला कर। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया आपने, ये सारे टीवी चैनल्स पे आ गया। जी, फिर उसके बाद ये हुआ कि दीपक ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं उसी दिन अपनी बहन की शादी करूंगा। सामने से कोई लड़का अगर बिना दहेज के शादी करना चाहे तो आ सकता है सामने। अच्छा, उसने अनाउंस कर दिया। तो ये चीजें फैल गई जब, तो हमें सामने से कॉल आने लगे कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया और ये चीज समाज के सामने लाई आपने। जी, तो समाज के बहुत सारे लड़कों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। जी, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और वो भी सामने आए और ऑफर किया कि हम आपके साथ शादी करेंगे, वो भी बिना दहेज के। और वो भी बिना दहेज के, और उसी दिन। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हम मिलेंगे रानी के राजा से। और दोस्तों, अब मैं आपको मिलाऊंगा उस लड़के के साथ जो रानी जी के राजा बने। पवन जी, आइए, प्लीज ज्वाइन अस। आइए, बैठ बैठ बैठ। मुझे बताइए कि यहां तक तो कहानी बता दी उन्होंने, अब आप बताइए मुझे आगे कि क्या हुआ। कि मतलब आपने टीवी पे देखा पहली बार, वही एक स्टिंग ऑपरेशन से चल रहा है, ये सब जो सीन्स आ रहे थे। जी, अब राजेंद्र जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, भाभी भी बड़ी मेरी, मेरी माता जी, सबके अंदर वो चल रहा था जो शायद मेरे अंदर भी चल रहा था कि क्या मैं आगे बढ़ूं, ये मैं अंदर सोच रहा था। अच्छा, टीवी पे आपने इनको देख लिया था? सच्ची बोलूं तो कुछ भी नहीं देखा था, इनकी आंखें ही देखी थी सिर्फ। अच्छा, चेहरा आपका ढका हुआ था, तो आपने चेहरा नहीं देखा? इतना और इतना हिस्सा है, अभी देखिए ऐसा। तो आपने सिर्फ आंखें देखी थी? सिर्फ और सिर्फ आंखें, और उनके मन की बात सुनी थी कि ये स्ट्रांग लड़की है। दिख गया ना, सभी सामने दिख गया ऐसा किया इन्होंने। तो फोन किया मेरी भाभी जी ने, फोन किया, बात हुई, आपने रिश्ता भेजा, आप पवन जी से मिली, पवन जी आपसे मिले, आपको कैसा लगा? उस वक्त तो एक ऑलरेडी किसी शॉक में थी, तो दूसरा शॉक एकदम झटके से लगा। लेकिन मन कह रहा था कि जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो बाहर एक मंदिर था, वहाँ हम लोग बैठे, तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं मानता हूँ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आपसे शादी करना और मैं आपको चाहता हूँ। और ये नहीं कि कोई एहसान है। वाह, क्या बात। तो ये बात बहुत मन को छू गई। तो जो डेट थी शादी की, उसी दिन सब कुछ, उसी दिन शादी हुई, सब कुछ वैसे ही चला। और आपके भाई ने जो अनाउंस किया था कि मैं उसी दिन शादी करूंगा, वो पूरा पूरी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि आपकी शादी हुई, आज आप क्या सोचती हैं? बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ इस वक्त। ये रोमांटिक है ये? बहुत ज्यादा। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है। पवन जी, रानी जी, मुझे इतनी खुशी होती है रानी जी कि आपने इतना मजबूत स्टैंड लिया। आप ऐसे एक एग्जाम्पल हैं हर लड़की के लिए जो ये शो देख रही है। और पवन जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपने भी जो कदम उठाया
जो इज्जत दी आपने एक्चुअली वो बड़ी बात है। और सारी ऑडियंस की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी ऐसे ही खुश रहे और आपकी लाइफ एनरिचिंग हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप क्या सोचते हैं, ये शो के आखिर में आपने ये सब देखा, अब आप क्या सोचते हैं? आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आप क्या कहना चाहेंगी मुझे आप बताइए। आई थिंक आई वुड प्रेफर एक सादा प्लेन टिकाऊ मैरिज देन अ बिग फैट वाइट वेडिंग। अगर बड़ी शादी चाहिए भी, मेक श्योर दैट लड़की और लड़के अपने पैसे से शादी करें, ना कि पेरेंट्स के पैसे से। क्या बात है। दोस्तों, शादी एक बहुत अहम मोड़ होती है हमारी जिंदगी में और यकीनन हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी शादी के उस एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयारी करनी चाहिए जिंदगी के उस खूबसूरत सफर के लिए जो दो लोग साथ में मिलकर तय करते हैं। अपनी शादी को एक एटम बम मत बनाइए जो आपने एक दिन में फोड़ दिया, बल्कि उसे एक अगरबत्ती बनाइए ताकि उसकी खुशबू जिंदगी भर आपको खुशी देती रहे। यहाँ हमारी ऑडियंस में कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, मैंने सुना है वहाँ पे दहेज की प्रथा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइए वहाँ कैसे होता है? मैं आसाम के रहने वाला हूँ जी। वहाँ पे दहेज नाम का ये चीज़ मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी है और मुझे तो ये बात की बहुत ही अजीब सी एक महसूस हो रही है कि एक लड़का होके अगर मैं किसी से पैसे लूँ, इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि अब एक हंसी मजाक की बात कहता हूँ कि हमने हमेशा सुनी है कि घरों में टीवी जब हम लोग देखते हैं तो हस्बैंड क्रिकेट देखना चाहती है और वाइफ सीरियल देखना चाहती है। तो आप अगर क्रिकेट बाइसेंस लगा दो, अगर वाइफ आपको बोले कि ये तो मेरे डैडी ने दिया है, मैं सीरियल देखूँगा। तो ये चीज़ मैं कभी ना सुनूँ। और तो मतलब आप दहेज के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आपका मैच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरे डैड असमीज है एंड मेरी मम्मी जो है वो मिजो है, मिजोरम की है। अच्छा, हाँ, मैं मिजोरम और आसाम दोनों के कल्चर के बारे में बता सकती हूँ। हम लोग की जो शादियाँ होती है वहाँ पे लड़के वाले भेजते हैं लड़कियों को ज्वेलरीज, कपड़े, एंड इवन ऑन जो शादी वाले दिन होती है दुल्हन जो भी पहनती है वो सारा सामान दूल्हे के घर से आया हुआ होता है। एक सूता भी बॉडी में मतलब लड़की वाले के घर से नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यू नो, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। दोस्तों, हर हफ्ते हम देश के सवाल पूछते हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में आजकल शादियां एक सौदा बनकर रह गई हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 5782711। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ एक रुपया है। आपके एसएमएसेस के जरिए जितने भी रकम इकट्ठा होगी गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को जाएगा, यूनिक होम फॉर गर्ल्स। ये संस्था बेसहारा लड़कियों के लिए काम करती है। आप एक से ज़्यादा एसएमएस भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नाम से चेक बनाकर अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक में जाकर आप जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनके वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी एक्सिस बैंक के हर शाखा पर मिलेगी। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो एसएमएसएस के जरिए हो, ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, लालच का कोई अंत नहीं। लड़कियों के माँ बाप से मैं ये दोहराना चाहूँगा कि जब किसी रिश्ते की शुरुआत सौदे से शुरू होती है तब आप कितना भी दे दें वो कम ही रहेगा। अपनी बच्ची की खुशी, अपने बेटे की खुशी आप पैसों से कभी खरीद नहीं पाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कीजिए, उसे इस काबिल बनाइए कि अपने सुख दुख की देखभाल वो खुद कर सके, फिर उसे किसी बिकाऊ दूल्हे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस देश के नौजवान लड़कों से मैं कहना चाहूंगा कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत से दो रोटी नहीं कमा सकते? लानत है हम पर।
हमें हाथ फैलाने की जरूरत पड़ गई है, मांगने की जरूरत पड़ गई है। अरे खुददार बनो, दहेज को ना बोलो। और इस देश की लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा, कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। सुबह से लेकर शाम तक अगर यह समाज चलता है तो वो औरतों की मेहनत से चलता है। वक्त आपका है, पहचानो उसे। अपनी जिंदगी, अपनी खुशी अपने हाथ में लो। अगर आप मजबूत रहेंगी, अटल रहेंगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे आपकी खुशी छीन सकती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। तो मेरा लालच हमका